दोस्तों आज के वीडियो में हम सोल लैंड की आगे की नॉवल कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। हमारे एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं टेंशन को, जहां पर टेंशन डार्क डेविल गॉड टाइगर के सामने खड़ा होता है और उसी के साथ ही टेंशन कहता है, ये तो डार्क डेविल गॉड टाइगर है और मुझे इसकी कल्टीवेशन 60,000 से लेकर 70,000 के करीब लग रहा है और ऐसा लगता है ये सोल बीस्ट मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। आगे टेंशन बताता है, सच में ये सोल बीस्ट एक साधारण सोल बीस्ट नहीं है, क्योंकि इसके पास तो एक डोमेन है जो कि एक साधारण बात नहीं है, क्योंकि इस पूरे दुनिया में सिर्फ 100,000 ईयर की सोल बीस्ट के पास ही डोमेन होता है, लेकिन ये तो सिर्फ 70,000 ईयर की ही सोल बीस्ट है, लेकिन फिर भी इसके पास डोमेन मौजूद है। सच में यह एक आम बात नहीं है और साथ ही यह सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इधर हम जंगल में टाइगर को देखते हैं और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल भरी होती है। जैसे ही वो टेंशन को देखती है तो उसी के साथ ही उसे डेमिंग और आमिंग की ओर महसूस होने लगता है, जिसके वजह से वो अपनी डोमेन को चारों तरफ फैला देता है। दोस्तों वैसे डार्क डेविल गॉड टाइगर स्टारडू फॉरेस्ट के किंग डेमिंग और आमिंग का पक्के दुश्मन है, इसी वजह से वह डेमिंग और आमिंग का ओरा को महसूस करते हुए टेंशन के पास पहुंचा होता है, क्योंकि टेंशन के पास डेमिंग और आमिंग का सोल रिंग और सोल बोन मौजूद है, जिसकी वजह से वह टाइगर यहां पर टेंशन को मारने के लिए आया होता है। इधर टेंशन इसे देखते ही तुरंत ही अपनी सी गॉड ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है और साथ ही उसे एक्टिवेट करने लगता है। इसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ही ट्राइडेंट एक्टिवेट होता है तो उसी के साथ ही उससे निकलने वाली लाइट डार्क डेविल गॉड टाइगर के डोमिंग को पूरी तरह से सप्रेस कर देती है, जिसे देखने के बाद वो टाइगर समझ जाती है कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो टाइगर धीरे धीरे करके टेंशन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखते ही टेंशन अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर की सोल रिंग को रिलीज कर देता है और साथ ही अपनी ब्लू सिल्वर वेब से उस टाइगर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो टाइगर पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर टेंशन को कुछ महसूस होने लगता है कि उसके ऊपर कोई अटैक हुआ है, जिसे देखकर टेंशन पूरी तरह से चौंक जाता है और यह टाइगर का एक माइंड अटैक होता है। इधर वो टाइगर टेंशन के पीछे से दिखाई पड़ती है, इसे देखते ही टेंशन तुरंत ही उसके ऊपर ट्राइडेंट से अटैक कर देता है, लेकिन उस टाइगर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो इससे आसानी से बच जाता है। इसके साथ ही हम देखते ही टेंशन दोबारा से अपनी थर्ड सोल स्किल स्पाइडर वेब को यूज करता है, जिसका यूज होते ही वहाँ चारों तरफ जंगल में ब्लू सिल्वर वेब्स फैल जाते हैं। इधर टाइगर भी इससे बचने के लिए जंप लगाते हुए एक पेड़ के ऊपर चला जाता है, लेकिन जैसे ही ब्लू सिल्वर वेब्स टाइगर को हिट करते हैं तो उसी के साथ ही उसकी आंखें पूरी तरह से लाल रंग के हो जाती है और साथ ही उसकी बैक साइड पर विंग्स बाहर निकल कर आती है, जिससे वो एक काउंटर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ब्लू सिल्वर वेब्स वहीं पर ही बिखर जाते हैं, जिसे देखकर टेंशन दोबारा से चौंक जाता है। और इसके बाद टाइगर का रेड फॉर जेमिनी से टकराती है और एक ब्लैक शेडो के रूप में टेंशन और बढ़ने लगती है, और यह जहां से भी गुजर रहा था तो वहां की पेड़ पौधे सूख रही होती है, और इससे पहले वो टेंशन के पैरों तक पहुंचता टेंशन ने जल्दी से ट्राइडेंट की मदद से जमीन के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक लाइट वहीं पर ही कंडेंस हो जाती है। इसके कारण वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के साथ एक डार्क एनर्जी निकलती है और इस डार्क एनर्जी ने टेंशन की मेंटल स्ट्रेंथ को पूरी तरह से सप्रेस कर देती है, और उसके साथ ही हम टेंशन को देखते हैं जहां उसकी लेफ्ट लेग की सोल बोन अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से टेंशन हवा में उड़ने लगता है और साथ ही अपनी लेफ्ट लेग सोल बोन को यूज कर टाइगर पर लॉन्च कर देता है, लेकिन पता नहीं इस टाइगर का स्पीड इतना ज्यादा है कि यह इससे भी आसान से बच जाता है। दोस्तों डार्क डेविल गॉड टाइगर के पास एक अलग ही तरह की एबिलिटी मौजूद है, जो कि एक कॉपी ज्यादा तेज है और यह यहां तक कि टेंशन के टेलीपोर्शन टेक्निक से भी बहुत ही ज्यादा तेज है। इसके बाद हम देखते हैं दोबारा से टेंशन अपनी एथ सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे वो टाइगर बच नहीं पाती है और वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है, जिसे देखते ही टेंशन जल्दी से उस पर अपनी ट्राइडेंट से अटैक करता है। इससे वो टाइगर बच नहीं पाती और वहीं पर कुछ चल जाती है, मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिसे देखकर टेंशन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर कैसे इस टाइगर ट्राइडेंट की वजन को झेल सकती है, आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है।
वैसे दोस्तों डार्क डेविल गॉड टाइगर ने ब्लू सिल्वर वेब्स को देखते ही पहले ही अपनी प्रोटेक्शन एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया था और इसे डेविल गॉड प्रोटेक्शन कहा जाता है, जिसके साथ हम देखते हैं 3 सेकंड बीतने के बाद टाइगर दोबारा से टेंशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी हम टेंशन को देखते हैं और वह टाइगर को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। इसकी वजह से वह तुरंत ही अपनी सी गॉड ट्राइडेंट के अनपिक एस स्ट्रैंड का यूज करता है, जिसे देखते ही टाइगर तुरंत ही अपनी डोमिन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ट्राइडेंट का यह अटैक वहीं पर ही गायब हो जाती है। और इधर टेंशन भी नहीं रुकता है और ट्राइडेंट का सेकंड टेक्निक को यूज करता है। इसका इस्तेमाल होते ही टाइगर का डोमिन वहीं पर ही ब्लॉक हो जाती है, जिसके साथ ही टेंशन अपनी डेथ गॉड डोमिन को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इफेक्ट शुरू होते ही टाइगर की सभी अटैक्स वहीं पर ही सप्रेस हो जाती है। और यहाँ तक भी उस टाइगर भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में घायल हो चुका होता है, और इतना घायल होने के बावजूद भी टाइगर टेंशन की बढ़ने लगती है, और वही टेंशन ये देखकर अपनी राइट आर्म सोल बोल का इस्तेमाल करने वाला होता है। लेकिन जैसे वह टाइगर बुल हेड पाइथन की ओर को महसूस करती है तो उसी के साथ ही उसे बहुत ही गुस्सा हो जाती है और टेंशन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखते ही टेंशन जल्दी से अपनी लेफ्ट आर्म सोल बोन का सेकंड टेक्निक को यूज करता है। इसकी वजह से टाइगर बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इधर टाइगर को इतना अटैक करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ वो घायल ही हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।